हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज मेरी वेडिंग का लास्ट पोर्शन मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो भी गया था अब। और आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, एंड अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग उसे खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो बढ़ते वीडियो की तरफ, मैं आज उसमें ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो नहीं, बट आप लोग देख करके सारा समझ जाएंगे। देखते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं बताऊँगी कौन सा क्या रिचुअल है। एंड बस आगे बढ़ते वीडियो की तरफ। अब यहाँ पे तो पता नहीं किसी को नींद आती है या नहीं अपनी शादी में, बट मुझे तो आ रही थी। अब इतना थक चुकी थी पिछले रात संगीत, और इसमें अब लाइट भी ऐसे अचानक से आ रहा था, तो नींद भी बहुत जम के आ रही थी। ये होता है मढ़क्का, जिसमें ससुर जो होते हैं, मतलब कि फादर इन लॉ जो होते हैं, वो साड़ी से सर को ढकते हैं, और फिर हस्बैंड जो है, ससुर जो हैं वो पीछे करते हैं, हस्बैंड जो है वो ढकते हैं। यानी कि एक लिहाज बना रहे पूरी लाइफ, जब भी मेरे फादर इन लॉ मेरे सामने रहे तो मेरा सर ढका रहे, या फिर मैं इज्जत के साथ रहूं। मतलब अगर मेरे पति बोले भी कि नहीं कोई बात नहीं है तुम ऐसे रह सकती हो, फिर भी मुझे अपना सर अपने लिहाज इज्जत से रहना होगा अपने फादर इन लॉ के सामने। और मेरे से बड़े जितने भी हैं, मेरे जेठ जी या मेरे फादर इन लॉज जो भी, मेरे चाचा जी वगैरह हैं, चाचा ससुर वगैरह, सबके सामने। तो ये बस वही रिचुअल है, इसमें सर ढकते हैं, ये इन्होंने साड़ी से ढका, और फिर वही ये लोग करेंगे, पापा जी सर साड़ी को आगे पीछे करेंगे, और उसी के साथ मेरे हस्बैंड भी करेंगे। यहाँ पे मेरी जो भी फ्रेंड्स और मेरी कजन्स थी, वो सारे इनका रास्ता रोक रहे थे कि आप कुछ गाओगे या शायरी करोगे तब भी आपको जाने देंगे, या फिर नेग लेते होते हैं उसको बोलते हैं द्वार छेकाई, तो वही बस ये लोग द्वार छेक रहे हैं। बट मेरी मम्मी बोली नहीं नहीं जाने दो, तो वही द्वार छेका। फिर भैया भी पूरा अड़ गया था कि नहीं नेग दो भाई दो, फिर मम्मा ने निकलवा दिया हम लोगों को आगे, बोला कि नहीं चलो कोई बात नहीं। लेट हो रही थी, हम लोग को मॉर्निंग में ही विदाई होना था, बट थोड़ा सा लेट हो गया था।
और शादी के बाद हर बिहारी वेडिंग में आई थिंक जाते होंगे लोग, बट हमारे में तो कंपलसरी होता है, ये होता है कोहबर, जिसमें हम लोग के हाथ में देते हैं चावल और फिर बोलते हैं किसका घर भर रहे हो। तो मैं अगर अपने मायके में हूँ तो बोलूँगी मम्मी पापा के, और ये अपने ससुराल में तो बोलेंगे सास ससुर के। सेम मैं जब ससुराल जाऊँगी तो मैं सास ससुर बोलूँगी और ये मम्मी पापा बोलेंगे। तो वही ये रिचुअल हो रहा है, इसमें बच्चे को भी गोद में बैठाते हैं और ये रिचुअल सेम होता है यहाँ पे भी, और मैं जब ससुराल जाऊँगी तो वहाँ भी होगा। तो और ज़्यादातर गोद में लड़के को देते हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर बच्चा होगा वो बेटा हो, सभी को देते हैं बेटा ही, बट हमारे गोद में बेटी बैठी थी बट फिर बेटा हो गया। तो बस वही अभी ये रिचुअल चल रहा है कोहबर में। एंड फिर ये एक रिचुअल होता है जिसमें मेरे इन-लॉज के लोग सारे खाना खा रहे हैं तो उन लोगों को खाना खिलाया जाता है, बट ये लोग खाना खा चुके थे तो जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी ये लोग एक रिचुअल कंप्लीट करने के लिए कर्ड खा रहे थे। एंड मेरी विदाई स्टार्ट, बहुत लोग बोल रहे थे मैं रोई नहीं, लेकिन मैं बहुत रोई थी। और ये कैप्चर भी दो बार में हुआ था तो अभी भी मुझे देख के रोना है, मैं रिकॉर्ड कर रही थी जब तक। मुझे बोल रहे थे फिर वापस तो आना ही है, क्योंकि हम लोगों की वेडिंग में क्या होता है जीरा एक्सचेंज करने जाते हैं, तो वही एक्सचेंज करने में जा रही थी किसी नदी के पास, लेकिन अब तो घर से जाना ही था मुझे। एंड फिर बस ऐसी विदाई होगी थी, वो सेकंड पार्ट वाली विदाई तो इसमें कैप्चर्ड नहीं है, बट ये जीरा एक्सचेंज करने के लिए मैं जब जा रही थी तब का है। बस मेरी गाड़ी अब निकल चुकी थी। फिर यहाँ पे ये जो रिचुअल कर रहे हैं इसमें दुल्हन को जब भी उतारते हैं तो उनका मांग भरते हैं, मतलब सब लोग मेरे नाक पे से सिंदूर लगाएगा जो मैरिड होंगी, तो मुझे भी सभी लोगों ने लगाया था, फिर वापस मैं भी लगाऊंगी। और मैं अपना सिनूरा लेकर के आई थी, अभी मैं अंदर बैठी हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी बुआ सास हैं जो कि मेरे घर के पास ही रहती है,
तो बस मेरे यहाँ पे सब लोग मांग भर रहे हैं और हो रहा है आगे का रिचुअल। You heard my heart again.
आप लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। हाँ लड्डू बोलो बोलो बोलो। एंड इसी के साथ मेरा वीडियो एंड वेडिंग पोर्शन खत्म। एंड उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द अगर अभी तक नहीं किया है तो। लड्डू बोलो जल्दी बोलो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू हुएवर हैव वॉच द कम्प्लीट पोर्शन ऑफ माई वेडिंग। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग वेरी सून। बाय, टेक केयर।